अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 26 जनवरी 2022 मेंस टीम की ट्रेनिंग सेशन है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज टीम वर्क। हमने कल डिस्कस किया था सक्सेस को, उसका लिंक वगैरह हमने शीट में रख दिया है और आज जो हम डिस्कस करेंगे इट इज टीम वर्क। आई एम सो सॉरी अबाउट माई आवाज़, आज ये ऐसे ही रहने वाली है, आई होप बहुत बुरी ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट। टीम वर्क, व्हाट इज टीम वर्क एक्चुअली? हम उन्होंने स्लाइड शेयर ना, पहले मैं इसको ब्लैंक हाइड कर दूं ताकि मेरे सामने बार बार ना आए। ओके एंड स्लाइड शो। टुडेज टॉपिक इज टीम वर्क। टीम वर्क वी टॉक अबाउट इट, वी रीड अबाउट इट, वी डू एक्सरसाइज टू बिल्ड इट एंड वी इवन गो टू कीनोट speeches and workshops to understand how better to implement it in our organizations. So what is teamwork and why do we talk about it so much? It in this presentation we will attempt the better definition of teamwork, go into a greater depth on the integral role of the today's training session and help you learn how to create a collaborative environment where the teamwork is central. Team, what is teamwork? Teamwork, the purpose, the process of working collaboratively with the group of a people in order to achieve a goal. हम लोगों ने गोल सेटिंग का प्रोजेक्ट पहले कर लिया था, लेकिन अगर आप उसके साथ इसको लिंक करते जाएं तो इसी की शाखे हैं, टू रीच एनी गोल और आफ्टर गोल अचीवमेंट, टू अचीव अ सक्सेस, टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये हमने एंड से स्टार्ट करके पीछे तक आ रहे हैं। पहले हमने आपको एंड प्रोडक्ट दिया, उसके बाद उसके क्या लवाजमात है हम उसके ऊपर आ रहे हैं। सो टीम वर्क इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट टू बी अ सक्सेसफुल और टू अचीव अ गोल। टीम वर्क इज ऑफन अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अ बिजनेस एज इट इज ऑफन नेसेसरी फॉर कोलीग्स टू वर्क वेल टुगेदर ट्राइंग देयर बेस्ट इन ऑल एंड एनी सर्कमस्टेंस। टीम वर्क मीन्स दैट पीपल विल ट्राई टू कोऑपरेट यूजिंग देयर इंडिविजुअल स्किल्स एंड प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स Despite any personal conflicts between individuals, teamwork जिस वक्त आ जाता है उस वक्त conflicts वगैरह side पे चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम एक goal के लिए equal खड़े होते हैं, सामने देख रहे होते हैं। So what is teamwork? Teamwork is selfless. इसमें आप अपनी नहीं डालते हो, आप पूरी team और उसके goal का सोचते हो। It's selfless actually. It focuses on the end goal. Teamwork runs on the concept that the whole is greater than the sum of its part. What is the whole product is greater than the small parts. It's the classic idea, one and one is 11. ये हम आम तौर पे कहते हैं कि एक और एक 11 होते हैं, एक से भले दो। So it is a classic idea, one and one is 11. मेरा अब अगर मैं किसी project पे, जो मेरे साथ project पे काम करते हैं लोग, मैं पहले अपनी बताती हूँ, लेकिन लेटर ऑन आई डू आस्क देयर आइडियाज ताकि वो भी उसके अंदर उसी तरीके से इन्वॉल्व हो। एक बंदा जो चीज़ सोचता है वो एक दिमाग से सोचता है, एक डायरेक्शन पे सोच सकता है, वो मल्टी डायरेक्शंस पे नहीं जा सकता। सपोज अगर मैं कहूँ कि 1 और 1 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है, कोई और उठ के कह नहीं समर इट 1 और 1 कैन बी 11, लॉजिकल बात है, कोई इसकी वो तो नहीं है, थ्योरी तो नहीं है, ना ही इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है। वैसे तो 1 और 1 जो है वो 2 होना चाहिए, लेकिन अगेन इट्स 11। क्यों? मेरी दिमाग की सोच जहाँ पर ख़त्म होगी, क्या पता आपकी सोच वहाँ से शुरू हो रही हो, एंड वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। एक एक बंदा एक चीज सोच सकता है, एक काम कर सकता है, उसके ऊपर अगर आप सारी चीजें डाल दो। अब अगर मैं एज अ एक टीम प्रोजेक्ट है, हमारा कोई प्रोजेक्ट आता है, सपोज सर हमें कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो वो हमें उसकी वर्किंग नहीं देते, वो हमें कहते हैं ये प्रोजेक्ट है, इसको ऐसे मुझे रिजल्ट चाहिए, दैट्स इट। उन्होंने हमें बीइंग अ लीडर, उन्होंने एक हमें गोल दे दिया, उसका एंड गोल ये है, आपको इतना करके देना है। अभी रिसेंटली वी हैव डन आर मार्क प्रोजेक्ट, मोस्टली लोग उसके अंदर थे, सो आई एम गोना कोट दैट थिंग। मार्क प्रोजेक्ट था और उसमें मुझे सर ने सिर्फ ये कह दिया, समर 5000 मैसेजेस जाने हैं इन 7 डेज। ही डिडंट टोल्ड मी हाउ टू डू इट, कितने बंदे डालो, उसका स्क्रैप कहाँ से लाओ, उसका क्या है। हाँ रिसोर्सेज उन्होंने दिए,
कि मैं स्क्रैप करने का आपको एक सर्च दे देता हूँ, आप उस सर्च को स्क्रैप करो. हाउ यू विल डू इट, हाउ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? फरजाना, जी, आ रही है। हाँ ओके, एकदम से ये रीस्टार्ट हो गया. मेरी बात आप लोगों को सब समझ आ रही थी? वेयर आई वॉज, मैं तक वहीं से कंटिन्यू कर दूं जहां तक आप लोगों ने सुना है. जी, आ रही थी। ओके, सो आई वाज सेइंग कि हमें उस प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. जो भी होता है उसके स्क्रैपिंग अलग कर देती हूँ, उसकी वर्किंग अलग कर देती हूँ, उसका एंड रिजल्ट अलग कर देती हूँ. उसमें एक बफर भी रखती हूँ कि अगर कोई ऊंच नीच हो तो मेरे पास एक आध दिन या एक मेरे पास कुछ टाइम होना चाहिए जिसमें मैं उस गलती को या उस प्रॉब्लम को सिक्योर कर सकूं, और मैं एंड गोल तक पहुंचते पहुंचते, टाइम लिमिटेशन भी होती है समटाइम्स, उस टाइम को कवर करते करते उस टाइम तक मैं क्लियर कर दूं. तो इसमें ये होता है, फिर मैं टीम टीम डालती हूँ. जब टीम डालती हूँ तो टीम की कैपेसिटी मेरी, तो मैंने तो अपनी तरफ से मैक्सिमम डाल दिया. फिर क्या होता है, जब टीम डालती है तो उनसे वन ऑन वन बात की जाती है, उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, उन्हें कहा जाता है यू आर ओपन टू टॉक. हमने हाउ टू स्टार्ट बना देते हैं जो अपने दिमाग से, और उसको बनाने से बनाने बनाते वक्त मैं अकेली नहीं बना रही होती, मेरे पास ये ट्रेनर सारे हमारे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, प्लस जितने भी मैनेजर्स हैं वो सारे उस प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ आपके पास लाने से पहले मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं. इफ़ आई हैव अ प्रोजेक्ट, आई थ्रो इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, लाइक इन फ्रंट ऑफ माय ट्रेनर्स, सलाह एंड मैनेजर्स, ताकि उनका कोई आइडिया है या उनका कोई एक्सपीरियंस है तो वो मेरे साथ शेयर कर सके उसके बारे में. दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट अ टीम वर्क इज. मैंने आपको अपनी एग्जांपल बता दी, 101 इज 11 एंड 1 इज 11 की. ओके, नाउ आई एम गोना कंटिन्यू. पर्सनालिटीज एंड स्किल सेट्स डिफर व्हिच कैन क्रिएट पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन द एंटायर टीम फोकसेस ऑन डूइंग ग्रेट वर्क. हाउएवर द टीम मेंबर्स डिफरेंस द टीम मेंबर्स डिफरेंसेस टर्न इंटू स्ट्रेंथ्स. डिफरेंट डिफरेंट जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी वो डिफरेंसेस जो होते हैं, जो उनके डिफरेंट माइंड सेट और डिफरेंट थिंकिंग्स होती हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ्स बन जाती हैं टू अचीव एनी गोल. टर्न इंटू स्ट्रेंथ्स एंड गोल्स टू मेट एंड इवन एक्सीडेड. अब गोल से भी आगे जो जो चीज़ एक मैनेजर को नहीं पता होती है, उससे आगे भी चीज चली जाती है, उससे अगले की चीजें भी दिखनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो होल्ड हो गया, क्यों हो गया रुको. ओके, तो ये स्लाइड शो जो होता नहीं गड़बड़ कर जाता. व्हाट इज टीम वर्क बिल्ड ऑन, व्हेन पीपल कैलिब्रेट दे वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. दस द फाउंडेशन ऑफ टीम वर्क इज अ कॉमन गोल. इफ ईच टीम मेंबर हैज अ डिफरेंट एजेंडा, कोलैबोरेशन विद द डिफिकल्टीज एंड इट विल बिकम मच हार्डर टू प्रोड्यूस एक्सेप्शनल वर्क एंड अचीव गोल्स. सॉरी, किसी का माइक ऑन है, फरजाना चेक कर लीजिएगा. इंश्योर योर टीम इज सेटअप टू वर्क टूगेदर एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली बाय क्लियरली डिफाइनिंग गोल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. हैव फ्रीक्वेंट मीटिंग्स विद ईच इंडिविजुअल टीम मेंबर टू इंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड एंड आर इन लाइन विद द गोल ऑफ योर टीम. इफ यू मेम इफ एनी मेंबर ऑफ द टीम स्ट्रगल्स टू अलाइन देमसेल्व विद द टीम गोल्स, फिगर आउट वाई. डू योर बेस्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिटरमिन द डिफरिंग गोल्स.
If the particular employee or your team member continuously struggles to work towards the common goal of the team, it may time to part ways. अगर आपको लगता है पहले आप उसको लेके चलें, अगर कोई आपके साथ स्ट्रगल कर रहा है उस गोल तक नहीं, उसको अचीव नहीं कर पाया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया व्हाट यू वांट फ्रॉम हिम, आप उसको कोशिश करें कि उसको बताएं सिखाएं. अगर स्टिल आपको लगता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है तो फिर इट्स बेटर कि वो कोई को, उस उसकी वो मेहनत भी करे और उसके हाथ भी कुछ ना है, आप उससे उस प्रोजेक्ट से उसको रिमूव कर दें और उसके मतलब के प्रोजेक्ट के उसको डाल दें. लाइक एज काफ़ी हमारे साथ ऐसे साथी हैं जो मुझे लगता है कि जो वर्किंग में अच्छे हैं, काफ़ी साथ बात करने में अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी साथी ऐसे भी हैं जो स्क्रैप कर सकते हैं. हर कोई स्क्रैप नहीं कर सकता. सो दीज आर द एग्जांपल्स, हमारी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल्स चल रही होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हर कोई हर किसी चीज़ में बेस्ट नहीं होता. आई एम नॉट गुड इन IT सेक्शन, मैं सॉफ्टवेयर साइड पर सब कुछ कर सकती हूँ बट हार्डवेयर पर नहीं कर सकती. अब मैं कहूँ कि नहीं मैंने हार्डवेयर को भी करना है तो इट्स नॉट माई कैपेसिटी. जो मैं जानती हूँ मैं उसी को करूँ और जिसके जिसको हार्डवेयर आता है मैं उसके साथ कोलैबोरेट कर लूँ और उसके स्किल्स को यूज करूँ टू क्लियर माई हार्डवेयर पार्ट एंड सॉफ्टवेयर पार्ट को मैं खुद करूँ. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. आप लोगों के पास डेफिनेटली अपनी एग्जाम्पल्स होंगी. अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन अ वर्क प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन. सो जस्ट लेट मी hide this floating menu first. Okay, why is teamwork so important in a workplace? Nearly 3 in 4 employees rank teamwork and collaborative collaboration is very important. मतलब चार में से तीन employees जो हैं वो इस चीज़ को agree करते हैं कि हम टीम वर्क में ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं rather than doing in individual basis. Why is teamwork so important in the workplace? There is a very little dispute surrounding the importance of teamwork and collaboration at the work. The vast majority seems to understand that working together is absolutely vital in today's business world. In fact, research shows that nearly 3 in 4 employees rank teamwork and collaboration as very important. Not only do leaders grasp that teamwork is important, they also understand why it is so crucial. This seems to understand that the result of an initiative are greatly depending on how well a team work together, how well a teamwork works together, team works together. 97% of corporate executives and employees and educators believes a lack of alignment within a team directly impacts the outcome of the task or a project or your goal. The fact that most leaders grasp the importance of collaboration and teamwork is encouraging, as this understanding is vital for the success of an organization. With the business world changing constantly, as new technologies and innovations emerge, companies need to collaborate in order to survive. As teamwork together to share their experiences and knowledges, they can come to strategic and cooperative creative solutions. Every employee bring different skills and perspective to the table, and multiple viewpoints help companies find strategic approaches to continuously innovate in today's fast-paced world. Like as I said, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा ideas होंगे, उतने ज़्यादा directions होंगे सोचने की, उतने ज़्यादा उनका experiences होंगे. So teamwork में आप सबके experiences को भी लेते हो, सबकी सुनते भी हो, what they उनका क्या perspective है उनके हिसाब से आपका क्या है, उनको match भी करते हो, जो आपको better version लगता है उसको आप implement भी करते हो. So that's how you can achieve goals. Though most understand the importance of teamwork, there is still a glaring problem that plagued many organizations, actually working as a team. Sadly though, the understanding is there, the application is often not. Understanding hoti hai but hum usko apply nahi karte. I'll give you some tips on how you can foster collaboration within your company so you can better reach your goals.
creating a collaborative work environment with so many different personalities on any given team at work, fostering teamwork can be a real challenge, as mentioned earlier. However, if team members can all focus on a common goal, differences can become strengths. How do you create an environment where this is possible? So I'm gonna take quote from Dave Madsen, CEO and president of the Sender Training. According to him, he provides several tips of fostering teamwork. In this presentation, I'm gonna highlight six of them and give you analysis of each. He's the person jo bata raha hai, kuch tips de raha hai ki how we can create an environment where the teamwork is possible. I'm gonna quote his quote six of them, aur usko aage main detail bhi explain karungi. So how do you create a collaborative environment? Ways to foster teamwork. Number one, get to know your team members. Number two, agree on the team mission. Team ka jo mission hai, uske upar agree hona bahut zaruri hai sabka. Promote sharing, ek dusre ke saath share kare. Map goals and timelines, bahut zaruri hai. Ensure clear communication. Communication aapki बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपके टीम मेंबर्स को समझ आए. इट्स नॉट लाइक कि आप बोलें कुछ और वो समझें कुछ. नंबर सिक्स, बिल्ड द टीम रिलेशनशिप आउटसाइड द ऑफिस. दीज सिक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने पिक किए हैं और मैं अब इनको आगे एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ. नंबर वन, गेट टू नो योर टीम मेंबर्स. टीम लीडर्स अबव ऑल शुड टेक इट अपॉन देमसेल्व्स टू बिकम फ्रेंड्स विद एवरी मेंबर ऑफ देयर टीम. Regular one-on-one meetings can help with this, but a lot of getting to know someone comes from being around them and showing you care by listening and sharing in everyday conversations. As leader, greater comes to know and understand their team members, they will be able to help them grasp the goals of the team. Team members should also be encouraged to get to know each other. The better the team understand each other's tendencies, skill sets, personalities, and working styles, the better collaborations will be. Number two, agree on the team mission. Remember how a common goal is a basic thing for our teamwork. Leaders should guide the team in understanding individual roles and the team's overall mission. But feedbacks and suggestions should be always welcome. Held a meeting to establish goals and clearly define individual responsibilities and watch as the team began to work together. आपको मैं हमेशा कहती हूँ आप ओपन रहें किसी भी सजेशन या फीडबैक के लिए या क्रिटिसिज्म के लिए. जितनी सजेशन और फीडबैक्स और क्रिटिक्स जो होगा वो आपको आपकी तरफ क्रिटिसिज्म आपके पास आएगा, उतना ही आप अपने आप को भी बेटर कर सकते हो और वो उसी फार्मूला को आप अपने डिफरेंट वर्क्स में भी डाल सकते हो. लेकिन आपको ओपन होना ज़रूरी है. आप उसको एक्सेप्टेंस लेके आओ कि हाँ जी आई एम ओपन फॉर दिस थिंग. आप मुझे बताओ वेयर आई एम रॉन्ग. इवन being giving this training, मैं आपको हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि do come up with your suggestions और मुझे आप बताओ कि if I'm wrong तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या हम trainers में किस तरह उसको ठीक कर सकते हैं. So we are also open for any kind of feedback and suggestions. Number three, promote sharing. Since every personality is different, some team members may be naturally more vocal than others. Seek out those who don't speak out as much as ask their opinion on projects. Often the quieters one have some of the best feedbacks and ideas. If you as a leader share thoughts, feedbacks and ideas often, your whole team will feel more comfortable doing so. अगर मैं इसको अपने ऊपर लूँ तो मैं हर किसी का ओपिनियन लेती हूँ, हर किसी की बात सुनती हूँ. मैं फरजाना की भी सुनती हूँ, मैं फरहाना की भी सुनती हूँ, मैं जुल्कर नैन की भी सुनती हूँ, मैं रियाज भाई की भी सुनती हूँ.
मैं इरम को भी टास्क देती हूँ बोलने का. अब अभी जो मैंने जितने नाम लिए हैं इसमें से कुछ लोग क्वार्टर भी हैं, कुछ लोग इस कैपेसिटी के नहीं है कि वो बात कर सकें, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत वोकल भी हैं. लेकिन मैं सबकी ऑप्शंस लेती हूँ, इवन मैं सबके साथ बात करना चाहती हूँ, सबकी ओपिनियन, जो भी आपका जिस किस्म का भी ओपिनियन हो, मैं चाहती हूँ कि आप बात करें. आप बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ही आप हमारी टीम के अंदर एंटर होंगे. जो खामोश रहेगा, जो बात नहीं करेगा, वो सारी बात हमें पता ही नहीं वो काम कैसे करेगा. तो बीइंग अ लीडर, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बीइंग अ ट्रेनर, हमारी ये कोशिश होती है कि हर कोई हमें फीडबैक दे. जो खामोश है वो भी दे, और जो बहुत जो वोकल है वो तो अपना बताएगा, बोलेगा. वो तो उसको मौका मिले ना बोले, वो खुद ही मौका निकाल के बोल लेगा. बट मोर इम्पोर्टेंट इज जो क्वाइटर्स हैं उनसे हमें उनके बात पूछनी है, क्योंकि वो कीन थिंकर होते हैं मेरे ख्याल में. मेरे सामने जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं वो सोचते ज़्यादा हैं. जब जब सोच रहे होते हैं डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा, और जो ज़्यादा वोकल होते हैं, आई एम नॉट सेइंग जो वोकल होते हैं वो बात सोचते नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान बोलने के ऊपर दे रहे होते हैं, तो उनको शायद सोचने का मौका थोड़ा कम मिलता है. लेकिन जो क्वाइटर्स होते हैं वो बोलते रही है, उनको उनको वर्ड्स चूज करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो दे थिंक अलॉट. उनको यूज करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने अराउंड, उनकी बातों को सुनना चाहिए. नंबर 4, मैप गोल्स एंड टाइमलाइंस. नो वन शुड हैव टू वंडर व्हाट द गोल एंड माइलस्टोन्स आर एंड व्हेन सर्टेन टास्क शुड बी कंप्लीटेड. मेक देम वेरी क्लियर एंड यू विल स्पेंड लेस टाइम एक्सप्लेनिंग. So your team can spend more time in collaboratively working. जितना आप उनको बोलते रहेंगे उन्हें समझ नहीं आएगा तो वो काम कैसे करेंगे. So better you have to be clear. Again communication skills इसके अंदर आती है कि आपने अपना जो communication skills plus goal setting आपके सामने आ जाती है कि आपने उनको goal accurate देना है और उसको communicate भी properly करना है, ताकि आपके टीम मेंबर को पता हो कि मैंने जैसे भी करना है इसको इसके ऊपर वर्किंग करनी है, और वो अपनी भी उसके ऊपर एफर्ट लगा सके. सो बी श्योर कि आपने वट एवर यू हैव टोल्ड देम टाइमलाइन भी दे दी है क्लियरली, और आपने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया हाउ टू वर्क ऑन इट. नंबर 5, इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन. सो मेनी इश्यूज स्टेम सिंपली फ्रॉम मिसकम्युनिकेशन. मेक इट a goal to communicate effectively and efficiently. As you communicate well, others will learn to follow your examples. Every time you communicate an assignment, make sure it was fully understood by asking if there are any questions. मैं इवन कोई भी बात कर रही होती हूँ तो मैं आपसे पूछती हूँ पहले भी और बाद में कि इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछें. पूछेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा. इसका बैक बेंचर्स बन के बैठने का कोई फायदा नहीं. जितने सवाल करेंगे उतना ही हम लोग उसको, हम ये नहीं कहते कि आपने डम क्वेश्चन किए. डम क्वेश्चन इज विच यू डिडंट आस्क येट. ये सर भी कहते हैं कि वो डम क्वेश्चन होता है जो आपने अभी तक पूछा ही नहीं है, और जो पूछ लिया वो इट्स अ गुड क्वेश्चन, आपको आगे से जवाब भी मिलेगा. हाँ, क्वेश्चन पूछने से पहले इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें कि वो जो भी टॉपिक है या जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड हो, आए बाएं शाएं का ना हो, अदरवाइज वो उसका रिदम टूट जाता है. बट डू आस्क क्वेश्चंस. नंबर 6, बिल्ड द टीम रिलेशनशिप आउटसाइड द ऑफिस. समटाइम्स being in the office creates pressure to perform and doesn't allow employees to fully express themselves. Facilitate casual gatherings outside of the work that allows team members to voice their opinions. Having little parties can encourage their unity and team building, and naturally unveiling personalities. Go to the movies or some lunches or dinners. मतलब एक आपको इस तरह का आप arrangement कर ले. Plus आजकल तो जमाना है zooming का, आप लोग खुद से physically तो जा नहीं सकते because of the omicron and corona. सो आप छोटी छोटी गैदरिंग वर्चुअल कॉफ़ी बना लें, आप जूम की एक मीटिंग बना लें, चिट चैट करें, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अलावा थोड़ा सा टाइम दें. जिसना अभी हम मीटन के प्रोजेक्ट पे होते हैं, सबको पता है सब चीज़ें क्या है. हम आधा घंटा जो होता है हमारा टाइम सेट किया हुआ है, हमने उसमें आके बिफोर मीटिंग बैठना है. लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम, वो आधा घंटा थोड़ा सा काम करते हैं, बाकी चिट चैट चल रही होती है. चिट चैट इज़ लाइफ.
हाँ जी आपने ये क्या किया, आपका कहाँ है, आप किस तरह है, मतलब अपने आप को बहुत कंफर्टेबल और अपने टीम मेंबर्स को ज्यादा कंफर्टेबल करने की जरूरत होती है, एक दूसरे की बात समझ आती है, लेकिन अगेन इन अ पॉजिटिव वे, दिस जो और बहुत प्रोडक्टिव वे, इट्स नॉट लाइक कि आप सोशलाइजेशन करो और वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ही चीज चलती जाए, प्रोफेशनली भी सोशलाइजेशन की जा सकती है और होती है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी सोशलाइजेशन होती है. ओके फाइन, सो कमिंग बैक टू द हैविंग लिटिल पार्टीज कैन एनकरेज एनकरेज यूनिटी एंड टीम बिल्डिंग एंड नेचुरली अनवील पर्सनैलिटीज, दिस वे इवन हेल्प यू क्राफ्ट एंड अवॉर्ड स्ट्रेटजीज दैट फिट्स बेस्ट विद योर टीम. सो द कंक्लूजन इज पुटिंग इट ऑल टूगेदर, वी हैव वॉक थ्रू what teamwork is, why it's important, and how you can foster it in your organization or a company. Now it's time to get to work on defining your own teamwork definition. This is the task which I'm going to give you. You have to define your own teamwork definitions. It will take some time to build a foundation upon which collaboration and teamwork can flourish. But once the foundation is built, productivity will soar and overall employees' engagement and satisfaction will increase. Be patient, take your time, and enjoy the process of creating a more collaborative environment within your company. The sooner you start, the sooner you will see the positive results. So I'm done here for today. और सबाहत ने भी right on time hand raise किया है. सबाहत 35 पे start कीजिएगा. Anyone, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई बात करनी हो तो यू पीपल हैव 5 2 3 मिनट्स, 2 3 मिनट्स आप कर सकते हैं. 35 पे आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा. किसी की कोई बात, सोफिया हान. ओके, सोफिया हान कुछ कहना चाह रही है जी. सोफिया दयानंद, आपको मैंने अलाउ किया, इनवाइट किया है, आप काइंडली इसमें आ जाए. ईशा शहजादी बताइएगा प्लीज. ईशा शहजादी, इफ यू रेज योर हैंड तो काइंडली आप अपना रेडी भी रख करें अपने आप को अनम्यूट करने के लिए. आई एम गोना टेक योर नेम लास्ट टाइम. ईशा शहजादी जी, यस मैम. फरमाइए. वो ना मैंने पूछना था कि बिल्ड योर कनेक्शन का जो था ना शीट थी उसमें, तो वो कनेक्शन थे लिंक्स पे. ईशा आई एम सॉरी आई हैव टू म्यूट यू. इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी आखिर में. अभी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए. एनीवन या कोई अपनी बात शेयर करनी है तो प्लीज बताइए. हाफिज भाई इज देयर. नहीं, मैंने बस कनेक्शन के बारे में पूछना था कि वो कैसे पता चलेगा. मैंने आपको इसीलिए म्यूट किया ईशा. मैंने पहले भी बात की है कि टॉपिक से हट के बात नहीं करनी. महाजबीन सदीकी, मैम ये प्रेजेंटेशन है जो फ्राइडे को लेंगी, प्रेजेंटेशन इस पर भी होगी या किस पर है? सक्सेस पर थी ना फ्राइडे को? नहीं, सॉरी मैं आज लेट आई. सक्सेस पे नहीं है. एनी टॉपिक यू कैन चूज, एनी टॉपिक. मैंने बताया नहीं आपको कोई भी टॉपिक है, बट इसकी भी प्रिपरेशन करें, ये भी मैं आपसे लूंगी बाद में कभी. ठीक है, अभी तो ओके सक्सेस आप हो गई है. प्लीज. माजबीन मैं बार बार कह रही हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात है तो करें प्लीज, नहीं तो मैं अपने उसके ऊपर जा रही हूँ. ओके एवरीवन गेट रेडी फॉर योर टास्क. सबाहत आर यू रेडी? यस मैम आई एम रेडी. ओके लेट मी गिव यू टाइमर. शुड आई शेयर? ना, होल्ड ऑन. ओके मुझे जरा इसका टाइमर ऑन करने दो ताकि इनके पास टाइमर आ जाए. ओके नाउ यू कैन शेयर, नाउ यू कैन शेयर. शेयर कर दिए? ओके आप लोगों का असेसमेंट लिंक जो है वो दे दिया गया है इसके अंदर चैट बॉक्स में. योर टाइमर स्टार्ट नाउ. 10:51 पे इसको बंद कर दिया जाएगा. वी विल हैव 10 मिनट्स टू टॉक अबाउट योर क्वेश्चंस लाइक माजोबीन और ईशा शादी जो पूछना चाह रहे थे. उसके अलावा डू वी हैव एनी, एवरीवन हैव टू
take part in assessments please, because this is for you, not for us. हम अगर मेहनत करके आपके लिए questions तैयार करते हैं और चेक करने के लिए भी रेडी बैठे हैं, तो इसीलिए बैठे हैं कि आप सब 26 के 26 उसको लो, लाजमी है. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट लाइक कि आप यहाँ पर आते रहो और सुनते रहो और चले जाओ. वी डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ पीपल इन आर. हम उन लोगों को पार्ट भी नहीं देंगे अपने प्रोजेक्ट्स में. हम इसको जिस वक्त कोई प्रोजेक्ट हम ऑफर करते हैं, हम देखते हैं कि वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है असेसमेंट में. तो अपने आप को इनरोल कर नए के लिए आपको उसमें पार्ट लेना बहुत जरूरी है. ओके फाइन. एनी न्यू बी हेयर जिससे मुझे बात करनी हो और वो असेसमेंट नहीं दे रहा और क्यों नहीं दे रहा वो भी मुझे बताएगा. गुलरुख, गुलरुख, गुलरुख जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम गुलरुख. फर्स्ट ऑफ ऑल इनफैक्ट फरजाना सबाहत, हाफिज भाई, तलहा और जैद, फरजाना मेक श्योर कि आप ये सबको न्यूबीज वाली ट्रेनिंग में बताएं कि आपको सलाम अलैकुम बीच में इन द मिड ऑफ द सेशन नहीं करना. सबसे पहले स्टार्ट करते हुए सलाम अलैकुम मैंने बोल दिया, सबका वालेकुम सलाम भी मुझे ऑटोमेटिक मिल गया. नो सलाम अलैकुम, नो हाउ आर यू. और एक और चीज जो मैं सबको बताना चाहती हूँ इंक्लूडिंग सबाहत एंड तलहा, आई डोंट वॉन्ट एनी सॉरी. मुझे सॉरी की जरूरत ही नहीं होती है. गलती होगी हो गई, आइंदा ना हो. ठीक है. ओके गुलरुख, योर टर्न. या आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाट इज दिस ट्रेनिंग अबाउट, कि ये ट्रेनिंग किस चीज के बारे में है एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट. ओके गुलरुख, मेन थीम ट्रेनिंग जो है एक्चुअली जो फोकस है इसका लिसनिंग है. इट्स नॉट ओनली अ सिंगल, कोई एक टॉपिक नहीं है. इट्स रैंडम हमारे जो डेली यूज के डिफरेंट डिफरेंट मसाइल भी होते हैं, कुछ टॉपिक्स भी ऐसे रहते हैं, प्लस प्रोफेशनली भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन इट ऑल रिवॉल्व अराउंड लिसनिंग. एक्चुअली हमने आपको लिसनिंग मोड में डालना होता है ताकि आप जब हमारे किसी प्रोजेक्ट पे आओ तो आपको पता हो कि मुझे किस इफेक्टिवली सुनना है तो मैंने इसको आगे प्रोड्यूस करना है. होता क्या है कि हम सुनते नहीं है, हम लोग अपनी कर रहे होते हैं, हमें पता है हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब पाकिस्तानी कल्चर में तो चल जाता है, एशियन कल्चर में तो चल जाता है, बट इन US एंड और जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनमें नहीं चलता. उनका बेसिक होता है कि हमने आपको बता दिया एंड डू इट नाउ. तो अगर हम इफेक्टिवली उसको सुने नहीं तो हम उसके ऊपर वर्क भी नहीं कर सकते. सो दिस ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट लिसनिंग. जितने भी आपकी असेसमेंट्स होंगी, गुलरुख मैंने आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट किया है, जितनी भी आपकी असेसमेंट्स होंगी वो भी सारी लिसनिंग के ऊपर होंगी, कुछ रीडिंग पे होंगी, कुछ राइटिंग पे होंगी. सो हमने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस करना है. कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, सॉरी स्पीकिंग स्किल्स चाहिए होती हैं. ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स चाहिए होती हैं. मोस्टली तो लिसनिंग तो होती ही होती है, जब तक आप सुनेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे. प्लस हमारे काफ़ी ऐसे साथी हैं जिनको कॉन्फिडेंस का इशू है, हम उनकी भी इसी तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के क्वेश्चन आंसर्स कर करके, के ये सारी चीजें उसका बीच में लेके आ रहे थे. सो दिस ट्रेनिंग इज एक सेकंड प्लीज होल्ड ऑन. आई एम सो सॉरी, बच्चों को नहीं कोई समझा सकता. खैर ये सारी ट्रेनिंग जो है ये इसी के ऊपर फोकस कर रही होती है और इस ट्रेनिंग में से ही हम आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे लेके जा रहे होते हैं. हम आपसे कुछ ले तो रहे नहीं होते हैं, सिर्फ समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, डेली रूटीन की बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं ताकि आप कितना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसके बारे में आपसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं. गुलरुख समझ आया कुछ या अभी भी मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? जी नहीं, मुझे समझ आ गया, थैंक यू. ओके एनीवन एल्स? सोफिया kindly unmute करें अपने आप को. सोफिया हाँ kindly unmute करें अपने आप को. You have raised your hand.
You have raised your hand and I am inviting you to be a panelist. आप उसको accept नहीं कर रहे हो एक चीज. दूसरा आप hand raise भी कर रहे हो. बताइए. जी मुझे ये मीटिंग में आना होता है पर डायरेक्ट आ नहीं पाते हैं हम. So I think it's some reason. आ नहीं पाते मतलब जी. तो फिर मैं दूसरी में जो फरजाना ने मुझे भेजी थी लाइक जूम की वेबसाइट, तो मैं उस पर जब जाती हूँ तो जल्दी वो ओपन नहीं होती है. ओपन नहीं होती है मुझे पता नहीं क्यों नहीं होती है. आप अपने पास ऐप अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में और अपने मोबाइल पे ऐप इसकी जूम की ऐड कर लें. जी मैंने मैंने डाउनलोड की है. मैं अपने फोन पे भी एंड कंप्यूटर पे भी तो नाउ ओपन हो गया. लेकिन आज ओपन हो गया लेकिन जैसे समहाउ जब मैं करती हूँ तो वो हो नहीं पाता है जल्दी. अगर टाइम ना हो तो फिर नहीं होता क्योंकि हमने मीटिंग ऑन नहीं की होती. ओके दैट्स व्हाई. अगर टाइम जैसा सपोज आपको 9 बजे या 10 बजे का दिया हुआ है उससे पहले ऑन नहीं होती. समटाइम ऐसा भी होता है. ये लिंक सर सदीक के साथ शेयर्ड है. अगर उनका कोई मीटिंग कंटिन्यूड है मेरी ट्रेनिंग से पहले तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि 5-10 मिनट के लिए अगर शेयर ना अगर मैं ओपन ना कर पा रही हूँ तो इसका मतलब सिंपल यही होता है कि वो सर अभी उस लिंक को यूज कर रहे हैं मतलब ये जूम आईडी को यूज कर रहे हैं. Within 5 or 10 minutes जो है वो सॉल्व भी हो जाता है until unless कि हमें टेक्निकल इशू ना हो. तो ये भी एक इशू होता है मीटिंग ना लिंक होने का मोस्टली आजकल. अभी तो हम लोगों की कोशिश है कि ऐसा कुछ नहीं हो और हो भी नहीं रहा. I think it's हो सकता है वेदर की वजह से हो एंड देन सिग्नल ना मिल रहा हो. अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ. आपने असेसमेंट क्यों नहीं लिया सोफिया? मैंने अभी जस्ट अभी मैंने पिक किया सबात ने जो अभी भेजा है जस्ट फॉर्म एंड मैंने वो फॉर्म को जैन जुकसा का बैक मैंने अभी फॉर्म ओपन किया है. ओके अभी आपको समझ आ गया है कि हम क्या कर रहे हैं? जी आप क्योंकि मैं जॉब पे होती हूँ तो लाइक लेकिन मैं आपको कंटिन्यू सुन रही होती हूँ तो मुझे आपकी बात समझ आ रही होती है. समझ भी आ रही होती है. इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है. दिस इज फॉर योर बेनिफिट. हम लोग इससे गुजर रहे हैं गुजर चुके हैं. ओके जी तो दैट्स व्हाई कि मैं असेसमेंट मैंने लिया है तो नाउ इंशाल्लाह आई एम कंप्लीट दिस वीक. जी ओके. तलत तलत जी मेरा क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक सजेशन है अगर आप लोग कर सकते हैं. मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ऐसे मेरे स्केड्यूल के हिसाब से तो अगर हम असेसमेंट जो है वेंसडे को ले लें और जो प्रेजेंटेशन है वो मंडे को ताकि मुझे वीकेंड में टाइम मिल जाता है तो फिर मैं उससे काम कर सकती हूँ. तो आई एम स्ट्रगलिंग मतलब कि ये सारे उसको मैनेज करने में थोड़ा सा तो वो फिर मैं असेसमेंट दे नहीं पाती. तो अगर इस तरह से थोड़ा सा अगर हो सकता है तो अदरवाइज फिर मैं अपनी आई विल ट्राई माई बेस्ट. तलत मैंने आपकी बात सुनी है. आई विश कि मैं आपकी इसमें हेल्प कोई कर सकूं या कर सकती होती. सिचुएशन ये है कि हम लोगों के ना तो डिफरेंट स्लॉट्स ऑलरेडी बुक्ड होते हैं कि हमने इसमें ये काम करना है इसमें ये चीज देनी है. अभी जो मैंने प्रेजेंटेशंस दी हैं इसकी भी मैंने आपसे असेसमेंट्स लेनी है लेकिन वो भी मैंने स्लॉट्स बुक कर लिए हैं. इट्स अ सरप्राइज इट्स गोना बी अ सरप्राइज जस्ट एनी डे. वन बाय वन में लूँ या इकट्ठी ले लूँ लेकिन वी विल सी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं या क्या क्या होगा या किस तरह होगा. वी विल वर्क ऑन इट लेकिन फिलहाल तो अभी आपको इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी. ओके या मंडे को अगर मंडे को प्रेजेंटेशन हो ना तो दैट मेरे लिए वो काफी इजी थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि वीकेंड मिल जाएगा तो उसमें मैं काम कर सकती हूँ. तो थोड़ी सी मंडे का क्या हो मंडे को अगर प्रेजेंटेशन का रख लें आप ना मतलब इंस्टेड ऑफ फ्राइडे मंडे को आप प्रेजेंटेशन दे लें. नहीं प्रेजेंटेशन जो हमने फ्राइडे को रखी है वो सिर्फ इसलिए रखी है कि समटाइम ऐसा होता है कि हमने अपने पूरे वीक का आपको टॉपिक देना होता है तो वो इस वजह से हमने आपको थर्सडे ऑफ दिया हुआ है. आप थर्सडे को करें. थर्सडे इज ऑफ. आप मीटिंग में ऑफ है ना मेरी मेरी जॉब की तरफ से ऑफ नहीं है तो वो थोड़ा सा वहाँ पे स्केड्यूल को मुझे अब बस देख रही हूँ कि अपना स्केड्यूल थोड़ा चेंज कर लूँ या किसी तरह से वो एडजस्ट हो जाए तो देन आई हैव टाइम फॉर दैट. तो
ये नहीं कह रही कि आप करें, अगर अगर कोई ऐसा लूप निकल सकता है, अगर कर सकते आपको यही अर्ज किया है कि आई हैव हर्ड यू एंड आई विल सी कि इफ इट इज पॉसिबल और नॉट। मेरे ट्रेनर्स ने भी ये बात सुन ली है, अगर उनको लगा कि वो कर सकते होंगे तो वो मुझे बताएंगे इस बारे में, क्योंकि इन बच्चों ने सारे काम करने होते हैं, मैंने तो आके सिर्फ एक घंटे में बात करनी होती है। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। एनीवन एल्स, कोई और है जिन्होंने बात करनी हो? आज 25 बंदों का मस्ट होना चाहिए, हर 20 तो जरूर टेस्ट देंगे स्ट्रेट अवे। आई एम वेरी मच डिमांडिंग दिस टाइम। जी उमर, ये नहीं कहना मैं सपोर्ट नहीं दे रहा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्चुअली मैं बहुत बिजी था एक्चुअली जी, अभी जो है ना वो मैं आज उमर कैन यू ब्लेट दैट के मैं किस किस तरीके से आपके साथ आज बात कर रही हूं। जी जी मैं वो भी समझ रहा हूं, इस आवाज के पीछे क्या क्या हालात होंगे। जी वो मैं वही सोच रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं असल घर में नहीं था तो बहुत लेट आया हूं, 9 बजे वापस आया हूं, तो टाइम मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। नो नॉट एट ऑल, अगर मैं आ गई हूं मैं करती हूं, मेरे ट्रेनर्स आते हैं। आपको पता है इस वक्त अवैस भाई के घर के अंदर नेट नहीं आ रहा, उनका नेट का इशू है, ट्रेनर हाफिज अवैस साहब इनके घर के अंदर नेट का इशू है, बिकॉज सम इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज। ये बेचारे ठंड में छत पे बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक्चुअली वो आपको सही बताऊं तो मेरी शादी होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, तो उसकी तैयारी की वजह से थोड़ा सा बिजी हूं इन दिनों। वाह जी वाह, तैयारी तो अम्मा और बहनों ने करनी है, आपने अकेले क्या करना है? चलो है वो मुझे जाना पड़ता है साथ में। चलो छुट्टी नहीं है फिर भी, अभी सुनने की आदत डलेगी तो फिर आगे भी सुनोगे ना। क्यों हाफिज भाई, आई एम जस्ट जोकिंग। ऐसे ही है ना, अभी सुन, अभी हमारी सुनोगे तो आगे सुनोगे ना। कोई और जिसका मुझे एक और हाथ खड़ा नजर आया था, और अगर उसने भी कहा है कि मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ तो मैंने उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना। सायरा हफीज, आपने क्यों हाथ खड़ा किया था मुझे पहले ये तो बताएं, पता तो मुझे अभी चल जाए किस किसने असेसमेंट दिए किस किसने नहीं दिए। और सायरा हफीज की भी सुन लेते, उन्होंने हैंड रेस किया था। जी सायरा, कुछ नहीं मैम, आपकी तबीयत का पूछना था कि आप ठीक हैं? मैम मेरा अभी कनेक्शन आउट हो गया था तो मैं फॉर्म फिल कर रही थी, मुझे पता ही नहीं कि कट हो गई कॉल ना, तो अब आप मुझे, मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया फिलअप करके ना, टेस्ट तो हो गया क्या मेरा फॉर्म फिल ना? हो गया होगा जी, हो गया होगा, कोई इशू नहीं है ना, भी हुआ तो आपको पता चलेगा, कल शो हो जाएगा। ओके मैम, 1 मिनट लेफ्ट। सबाहत कितनी एंट्रीज हो गई हैं मैम? ओनली 2। वेट जी गुलरुख, मैंने ये पूछा था वो फॉर्म जो है वो फिल करना जरूरी है, मतलब मस्ट है? टेस्ट है, आप टेस्ट देंगे तो आप इनरोल होंगे ना प्रोजेक्ट के लिए, जरूरी होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करती हूं। और इसमें 80% पासिंग मार्क्स भी है, उसको पास भी करना होता है, इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ ओके ओके। सॉरी मुझे पता नहीं लग रहा है कि वो किधर से, मैं इसका लिंक वगैरह जो है वो कहां से मिलेगा मुझे। ये मैं बार-बार आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करती हूं कि ये जो आप लोगों के साथ लिंक किया गया है इसके अंदर सब कुछ होता है, ये ट्रेनिंग सेशंस होते हैं इसमें बताया गया जाता है, प्लस ट्रेनर्स यहाँ पर आप असेसमेंट का लिंक भी रख दिया करें, चलें इनके लिए ये भी कर लें। मैम एक्चुअली आज गुलरुख का फर्स्ट डे है ना इस सेट पे, या आज ही आई है न्यू बिज ग्रुप से, जो कुछ भी है असेसमेंट लिंक रख दिया मैंने, असेसमेंट लिंक जो इस वाले आज के दिन जो असेसमेंट लिंक दिया है वो यहाँ पर रख दें ताकि इन लोगों का मसला ही हल हो जाए। फिर देखते हैं कौन देगा कौन नहीं देगा। ओके फाइन, टाइम इज अप,
काइंडली अपने अभी अभी अनलिंक ना करना सब, बात गेट रेडी फॉर दैट टाइम इज अप। काइंडली अपने फॉर्म्स को फिल कर दें, 53 के ऊपर सबाहत इसको बंद कर देंगी, अनलिंक कर देंगी। काइंडली अपने अपने सारे फॉर्म्स फिल कर दें, 53 जैसे ही होंगे 10:53 सबाहत इसको अनलिंक कर, सबाहत यू कैन सी हियर, जैसे ही 53 होता आप अनलिंक कर दीजिएगा। ओके मैम मैं कर दूंगी, और मुझे मीटिंग फिनिश होने से पहले आपने बताना कि कितने लोगों ने असेसमेंट लिया। ओके ठीक है मैम, काइंडली फिल कर दें सब। कर दे सुबह का नियंत्रण कर दे 53 नाउ। वी हैव 7 मिनट्स, किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज बताइए। अगेन कल हमारे पास डॉक्टर बिल नहीं है, ही इज नॉट वेल येट, वो बोल नहीं सकता ज्यादा, जिसकी वजह से कल हमारा सेशन ऑफ होगा। सेकेंडली फ्राइडे को आप लोग प्रेजेंट करेंगे एनी टॉपिक, कोई भी हमारा सोशल टॉपिक जो है वो आप प्रेजेंट करेंगे, 10 स्लाइड्स से ऊपर स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए, और मुझे किताबी बातें नहीं चाहिए, प्लीज मुझे किताबी बातें नहीं चाहिए, आप लोगों से सुनना है मैंने कि आप लोग उस चीज को या उस टॉपिक को कैसे लेके चलते हो। कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सेल पे बनाओ, कोई भी सोशल टॉपिक आप ले सकते हो, कोई भी, जिस तरह हम कोई भी पिक करते होते हैं इस तरह आप भी पिक कर सकते हो, जिसमें आपको लगे कि यू कैन डू इट बेटर। मुझे स्पीच नहीं चाहिए, किसी को कोई बात करनी है तो प्लीज हैंड रेस करें, वी स्टिल हैव 6 मिनट्स। जी गुलरुख। जी मैं ये पूछ रही थी कि मुझे अभी भी समझ नहीं आया है कि मुझे कहाँ फॉर्म फिल करना है, सॉरी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कि कहाँ जाके। सबाहत कैन यू प्लीज हेल्प हर लेटर लेटर आफ्टर दिस मीटिंग। ओके मैम, पहले देना है ना, क्या नाम है गुलरुख, आप टुमारो करोगे आपको समझ आ जाएगा, नो वरी। जी जी ठीक है। ओके कोई और? जी अस्लान, मोहम्मद अस्लान। जी मैम मैंने ये पूछना था, ये जो असेसमेंट का लिंक है इसकी ये तैयारी प्रेप वगैरह वो किधर से करनी है? ये मैंने पहली दफा आज ये असेसमेंट देखी है। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ ये असेसमेंट का जो लिंक मैम ने सेंड किया है ना, ये पहली दफा मैंने देखा, इसकी प्रिपरेशन तैयारी वगैरह किधर से करनी होती है, इसके आंसर क्वेश्चन होते हैं। आपको लिंक शेयर किया जाता है मीटिंग के दौरान, जो कि अभी सबाहत करेंगी शेयर। इस बात आपने शेयर कर दिया नया लिंक? नो मैम, फ्राइडे को तो असेसमेंट है, मंडे को शेयर करना है। ओके देख लें, आई एम ओपन फॉर एनीथिंग। मैं भूल गई थी, मंडे को शेयर करेंगी असेसमेंट का लिंक जिसकी आपने तैयारी करनी होगी, और फिर वो ट्यूसडे को हो या वेडनेसडे को हो, कोई भी डे हम फाइनल करके उसमें से आपका टेस्ट लिया करेंगे। जी ठीक है ठीक। मैं समर इनको यूट्यूब लिंक ओपन करके शेयर करके बता दो इनको ना, ये नए थे। मुझे कोई लिंक यहाँ पर दे, मैं आपको बता देती हूँ आपने तैयारी कैसे करनी है। मैं बात ऐड करना चाहूंगा मैडम। अरसलान भाई बात ये होती है कि आपको सर्च लीग की वीडियो का एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक को ओपन करके आपने पूरा वो इंटरव्यू सुनना होता है, उस इंटरव्यू पे हमने क्वेश्चन बनाए होते हैं ताकि हमें पता चले कि आपने कितने ध्यान से उसको सुना है, और उसमें से सुन के तैयारी आपने क्या की है, कि आपने उस वीडियो को कितना समझा कितना है, उसकी सारी जो होता है ना इंटरव्यू, जितनी भी आपस में बोलचाल होती है सर की गेस्ट के साथ, उसी पे ही हमने सवाल बनाए होते हैं और पूछा होता है कि कौन सा सवाल जो है वो क्या है, वो उसके मैडम आपको एक्सप्लेन कर देती हैं तो वो किस तरह आपने तैयारी किस तरह करनी, किस तरह आपको हेल्पफुल होगा। जी ठीक हो गया भाई।
जी तैयारी आपने कैसी करनी होती है, जिस तरह आपके साथ कोई भी लिंक शेयर कर दिया जाता है, उसके शेयर होने के बाद मैं अभी एक लिंक ओपन कर रही हूँ, इनफैक्ट आज की ही मीटिंग का लिंक ओपन कर रही हूँ, आज जो आप लोगों ने असेसमेंट दिया उसी का लिंक ओपन करिए। ओपन बुक की तरह का होता है, आपको लिंक भी साथ दिया होता है और आपको कहा जाता है कि आप अपने नोट्स में इसको रखे रखें भी। ये आज का लिंक था, ये आज का टेस्ट था, इनफैक्ट जो आप लोगों ने आज असेसमेंट दिया है ये मैंने ओपन किया है। जब आपको असेसमेंट दी जाती है यहाँ पर ऊपर लिंक भी रख दिया जाता है ताकि आपको पता हो कि ये इसी का हमने दिया है। करना क्या होता है, आपको इसको प्ले करना होता है, प्ले करने से पहले आपको इसके कैप्शंस ऑन करने होते हैं ताकि वट एवर दे आर सेइंग आप इनकी बात सुन भी रहे हैं साथ देख भी रहे हैं, प्लस आप यहाँ पर इनके सेव के साथ यहाँ पर थ्री डॉट्स हैं, इसका ट्रांसक्रिप्ट भी ओपन कर लेते हैं जो ऑटो जनरेटेड होता है। सो यू आर लिसनिंग एंड रीडिंग बोथ एट द सेम टाइम वट एवर दे आर सेइंग, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट किया, अभी जैसे जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट चलना शुरू हो गया, जो सर बोल रहे हैं या जो वो भी बोल रहे हैं वो सब यहाँ लिखा हुआ। हम भी यही ट्रांसक्रिप्ट सुन के आपके क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत ही बारीकी हम लोग बहुत ऐसे क्वेश्चंस पिक करते हैं जो मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं, और कभी ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं और आप लोग ये क्या आएगा ये तो नहीं आ सकता, पर वो क्वेश्चन आ चुका होता, ठीक है। तो दिस इज द वे आपको तैयारी करनी है, आप मेन पॉइंट्स इसमें से निकालें, व्हाट यू हैव लर्न्ड, ये भी आखिर में क्वेश्चन होता है हमारा पेपर्स असेसमेंट के अंदर के, व्हाट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस टॉपिक वो भी आप हमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अगेन वो आपके साथ ट्रांसक्रिप्ट सुनते हैं, देखते हैं और फिर इसको असेस करते हैं, बार बार लोग सुनते हैं, बार बार इसके नोट्स बनाते हैं, इस तरीके से आपका लिसनिंग जो स्किल है वो इन्हेंस होती है, प्लस आप रीडिंग स्किल, ये भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग, दीज आर द स्किल्स, बेसिक स्किल्स हैं, और इसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन भी दे चुकी हूँ, आप इसकी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग सेशंस को देख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन किस ट्रेनिंग सेशन में दी गई है वो भी मैंने यहाँ पर एंटर कर दी है। तो आप पिछले ट्रेनिंग सेशंस को देख के भी किस किस ट्रेनिंग सेशन में क्या कुछ डिस्कस हुआ वो हम यहाँ पर एंटर भी कर रहे हैं, ठीक है गुलरो, एंड द पीपल हु आर न्यू हियर उन सब के लिए। जी बिल्कुल अरसलान, रुखसार के मुताबिक आप असेसमेंट लिंक ओपन करके ना देख लें कि किस तरीके से हम ये लेते होते हैं। जुल्करनैन अभी ये जो आज आप असाइनमेंट ली है ना इसकी ना मैंने तैयारी नहीं की क्योंकि मुझे ना पता नहीं चला कि आज असाइनमेंट की तैयारी करनी थी, तो वो तो सिर्फ हेल्थी की वजह से मैंने की नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम नहीं चला। ऐसे कोई, मुझे ऐसे कोई बातें जो पुराने लोग हैं उनसे तो मुझे ऐसी कोई बात सुननी नहीं, ठीक है। तो बाहर कितने लोगों ने आज हमारी असेसमेंट ली है, बाहर आज हमारी कितने लोगों ने असेसमेंट ली है? मैम 8, नॉट गुड, 26 में से सिर्फ 8 लोग। इस तंग ना करूं कि मैं इन्हीं लोगों को 8 लोगों को अपनी ट्रेनिंग के अंदर लेके आऊं और इन्हीं 8 लोगों को प्रोजेक्ट्स दूं। आई एम टेलिंग यू, ये आप आओ यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगाओ, ये एक छोटी सी एक छोटा काम है, आपको असेसमेंट देनी है, आपने शो करना है कि हाँ यू आर ईगर टू लर्न एंड लिसन एंड यू आर लिसनिंग व्हाट वी आर सेइंग। ये जो 8 लोग 7 लोग 6 लोग ये जो असेसमेंट दे रहे हैं दे विल गो फॉर द पेड प्रोजेक्ट, नॉट द वन हु आर नॉट डूइंग इट, स्ट्रेट अवे आई एम वेरी मच क्लियर। और मैं जो चीज आपको बोल रही हूँ वो वैसे ही होने वाली है, मैं पेमेंट्स कट कर लेती होती हूँ अगर वो प्रॉपरली ना हो तो मैं प्रोजेक्ट भी नहीं दूंगी। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट मी, दिस इज द पॉलिसी ऑफ जेवी जीनियस, जो हमारे उसमें हमें शो करेगा कि हाँ मैं और 80% पास भी करना आपने, इट्स 80% पासिंग मार्क्स, नॉट द 60 नॉट 33 नॉट 40, 80% पे आपने उसको क्वालिफाई भी करना है तो आप किसी प्रोजेक्ट पर जाओगे। आई एम टेलिंग यू कोई भी नहीं जाएगा, आते जाओ, मैं तो बोलती रहूंगी, मेरा तो काम है यहाँ पर ट्रेनिंग देना, नहीं आओ नहीं, अगर आप हमारे साथ असेसमेंट जो असेसमेंट्स में नहीं है वो नहीं है, बात है सीधी सी, मुझे क्या पता आप एक्टिव हैं या नहीं। इवन फ्रॉम ओल्डर पीपल आप अगर आ रहे हैं तो आप अपनी एक्टिविटी दिखाएं कि हाँ हम एक्टिव हैं आपके साथ, अगर हम रोज आके यहाँ पर बात कर सकते हैं तो आप असेसमेंट भी दें तो ही आप किसी प्रोजेक्ट पे जाएंगे, अदरवाइज हम आपसे कुछ और तो लेते नहीं, हम आपको सिर्फ ये कहते हैं कि सुने और आपके फायदे की चीजें ही बता रहे हैं,
कोई ऐसी चीज नहीं बता रहे हैं, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी चीज हम आपके अंदर नहीं डाल रहे हैं जो लॉजिकल ना हो या एक प्रूफ ना हो. एवरीथिंग इज प्रूव्ड, एवरीथिंग इज लॉजिकल. सब चीजें वो हैं जो दुनिया में सही चल रही हैं. इट्स नॉट लाइक कि हम कोई अपनी साइंस खोल रहे हैं आपके दिमागों में, या यहाँ नहीं कहीं और पे भी आपको काम आएंगी. लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे नहीं है तो डोंट कंसिडर योर, अगर आप हमारे साथ असेसमेंट्स में नहीं है, पार्ट नहीं ले रहे, डोंट कंसिडर योर सेल्फ कि आप किसी प्रोजेक्ट में भी हमारे साथ होंगे. स्ट्रेट अवे मैं बहुत स्ट्रेट उस बारे में. एनी क्वेश्चन ऑन इट? जी माजबीन. मैम मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्सेप्ट करें तो वेलकम, थैंक यू. उसका ये है कि अगर जो आप वीडियो की असेसमेंट देती है ना, प्रेजेंटेशन नहीं जो फ्राइडे को, मगर जो वीडियो की असेसमेंट देती है ना, अगर आप जैसे आज आप लोगों ने हमसे असेसमेंट लिया, तो आज ही अगर आप वीडियो की असेसमेंट दे दें तो हम और अच्छे से मतलब लर्निंग कर लेंगे और इंशाल्लाह पूरे नंबर लेंगे. माजबीन मैं आपको वैसे एक चीज बताऊं, क्योंकि बाज़ औक़ात नेट इशू होता है, तो मेरी मीटिंग ऑफ हो रही है, मेरी मीटिंग ऑफ हो रही है, सर साइन इन हो गए. मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो लिंक दिया हुआ है ये आपको लास्ट वीक का दिया हुआ है, लास्ट होल वीक आई वाज नॉट अवेलेबल. ये लिंक आपको अभी नहीं दिया गया, ये लास्ट वीक में दिया गया था. बीच में 7 दिन वो पढ़कर पिछला मंडे था. जिन्होंने अभी तक उसको नहीं पिक किया वो आगे क्या करेंगे. एनीवेज थैंक यू एवरीवन. सर की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सो आई हैव टू क्लोज. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर.